सबसे पहले आपको हमारे आलोन स्टूडियो में स्वागत है। तो सर आपको कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूँगा। टीपीसी से कम के का 25 कॉलेज डे सेलिब्रेशन है, आज सक्सेसफुली हो गया। तो जितना भी स्टूडेंट है उन सभी को क्या मैसेज देना चाहिएगा? सबसे पहले मैं थैंक्स देना चाहता हूँ। हाँ, ये प्रोग्राम हमारा जो हुआ है ये बहुत अच्छा हुआ है। ये जो कम से कम 5 दिन का था, तो ये 5 दिन का ये जो प्रोग्राम है बहुत ही धूमधाम से हुआ है। तो बहुत लोग इस बार ये प्रोग्राम को विटनेस देने आया था और सभी को अच्छा लगा ये प्रोग्राम। बहुत लोगों से तारीफ भी सुना, मैनेजमेंट को लेके, स्टूडेंट्स का कंट्रीब्यूशंस को लेके, पार्टिसिपेशंस को लेके। तो ज़्यादा बोलने का तो इसमें नहीं है, वही है कि मीन्स स्टूडेंट लोग जो यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था उन लोगों को यही बोलना चाहता हूँ कि हार जीत ये तो कुछ भी नहीं है। बेस्ट हाउस उनको मिला, हमको नहीं मिला, इस तरह से दुख नहीं होना चाहिए। आगे भी इस तरह का प्रोग्राम होते रहेगा। और ये एक एग्जांपल का तौर पे लेना है, इसको आगे भी अपना लाइफ में भी इसी तरह से अच्छा कुछ करके दिखाना है। तो यही से शुरुआत होता है हमारी ज़िंदगी का, तो यहीं पे हमें कुछ अच्छा करके दिखाना है। और जो हुआ है बहुत ही अच्छा हुआ है, प्रोग्राम भी बहुत अच्छी तरह से हुआ है। जो कंक्लूजन्स हुआ है आज, जो आखिरी दिन था बेनेडिक्टरी डे था, ये भी बहुत ही अच्छी तरह से हुआ है। तो आने वाला समय के लिए भी मैं सभी को ये करना चाहता हूँ कि इस तरह का जब भी प्रोग्राम होता है तो सब मिलके ऐसा प्रोग्राम को सपोर्ट करें और एक साथ मिलके इस तरह का हर जितना भी प्रोग्राम हो उसमें आपस में मिलके जो भी होता है उसको खुल के समर्थन करना चाहिए। तो वही है, स्टूडेंट भी इसको एंजॉयमेंट का तौर पे लेना चाहिए, ना कि इसको सीरियसली लेके इस पे कुछ आर्गुमेंट हो या झगड़ा हो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। वही बस एक एंजॉयमेंट का तौर पे लेना है, उन कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ का तौर पे, वही है और कुछ। तो सर ये आप ये प्रोग्राम को लेके आप किस किस को थैंक्स बोलना चाहिए? सबसे पहले तो मैं थैंक्स देना चाहता हूँ हमारे जो लोकल MLA 37 लिरोमोवा के हमारे श्री न्यामर खबक जी को, जो इस प्रोग्राम में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है, अपना कंट्रीब्यूशन हमें प्राइज के तौर पे यहाँ पे जो भी अवार्ड्स जो ट्रॉफी है जो दिया गया था उसके द्वारा, और उनके कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस के द्वारा, उन सब के लिए उसे थैंक्स देना चाहता हूँ। उसके बिना तो इस बार तो ये प्रोग्राम होना बहुत ही मुश्किल था। और दूसरा मैं थैंक्स देना चाहता हूँ अपने प्रिंसिपल सर को, जिसने हमें पूरा खुला छूट दे दिया था प्रोग्राम को अच्छी तरह से करने के लिए। और इसके बाद मैं अपने कलीग्स को भी थैंक्स देना चाहता हूँ जिन्होंने समर्थन किया अच्छी तरह से हमें, हर तरह के प्रोग्राम्स में उन्होंने अपना योगदान दिया, अपना प्रेजेंस दिखाया इसीलिए। और इनके बाद मैं ख़ास तौर से अपना जो कमिटी मेंबर है, अपना स्टूडेंट यूनियन और जो वॉलंटियर्स हैं, उन लोगों को भी थैंक्स देना चाहता है जिन्होंने बिना रेस्ट के पूरा थका हारा पूरा ये 6-7 दिन जो काम किया है, कुछ बिना एक्सपेक्ट किए, उन सब के लिए भी मैं थैंक्स देना चाहता हूँ। मेरे स्टूडेंट यूनियन के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को भी मैं थैंक्स देना चाहता हूँ जिन्होंने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन और मैनेजमेंट में अच्छी तरह से हाथ बढ़ा के दिखाया, उसके लिए मैं थैंक्स देना चाहता हूँ। और थैंक्स मैं अपने स्टूडेंट्स लोगों को भी देना चाहता हूँ जिन्होंने अच्छी तरह से पार्टिसिपेट किया और इसमें एकदम ये प्रोग्राम को बहुत ही शांत ढंग से ख़त्म करने में मदद किया। नहीं तो इस तरह का प्रोग्राम में स्टूडेंट्स लोग हमेशा भीड़ जाते हैं, कुछ झगड़ा होता है या कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ प्रोग्राम मीन्स प्रॉब्लम तो हम लोग को मिलता ही है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। पूरा स्टूडेंट्स लोग हर तरह से अपना को समर्पित किया, कोशिश किया कि प्रोग्राम को अच्छा से निपटा सके और हमने निपटाया अभी। तो अभी यही कहना है कि मीन्स आज जो प्रोग्राम हुआ है ये एक अच्छा प्रोग्राम है, अब ये हिस्ट्री बन चुका है कि मीन्स हम लोग कम से कम 1000 स्टूडेंट्स लोग मिलकर और यहाँ के फैकल्टी मेंबर मिलकर एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम को आयोजित किया और उसे सफलतापूर्वक निभाया है। थैंक यू सर।